हे फ्रेंड्स, मैं अविनाश आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उन टेक प्रोडक्ट्स के बारे में जो इस वीक लॉन्च हुए हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हर हफ्ते मेरी नई वीडियो आती है तो जब भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो इस सीरीज में जो सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो Realme की तरफ से एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है Realme Narzo 50। ये एक MediaTek Dimensity 8110 प्रोसेसर के साथ में आने वाला एक 5G स्मार्टफोन है जो कि एक 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। इसमें Mali G57 GPU है, 6.6 इंच की एक फुल HD प्लस 90 हर्ट्ज की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें ब्राइटनेस 600 nits का है। ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और एक पोर्ट्रेट लेंस है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। 5000 mAh की बैटरी है जिसे आप 33 वॉट्स के डार्ट चार्जर से फास्ट चार्ज कर सकते हैं। इसमें ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। 5GB तक डायनामिक रैम का भी सपोर्ट है तो आपकी टोटल रैम बढ़ के 11GB हो जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। Realme UI 3.0 वर्जन पर बेस्ड है, Android 12 के साथ में आता है। इस फोन का वेट 190 ग्राम से दो कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, हाइपर ब्लू एंड हाइपर ब्लैक। प्राइसिंग 464 की 15999 है, 4128 की 16999 और 6128 की 17999। यह स्मार्टफोन सेल के लिए 24th में दोपहर 12 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो Realme की तरफ से एक स्मार्टफोन है जिसका नाम Realme Narzo 50 Pro 5G स्मार्टफोन है। यह एक MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ में आने वाला एक फ्लैगशिप ग्रेड का स्मार्टफोन है जिसमें कि 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, Mali G68 GPU है, 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा है और एक मैक्रो कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 33 वॉट्स के डार्ट चार्ज से आप इसे फास्ट चार्ज कर सकते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, डॉल्बी एटमोस और हाई रेस ऑडियो सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है, 5GB तक डायनामिक रैम का सपोर्ट मिलता है, रैम टोटल बढ़ के 13GB हो जाती है, 181 ग्राम से इस फोन का वेट है, Realme UI 3.0 वर्जन पर बेस्ड है, Android 12 के साथ में आता है, दो कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, हाइपर ब्लू एंड हाइपर ब्लैक। प्राइसिंग 6128 की 21999 है, 8128 की 23999 है। दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं। मेरा ओपिनियन, अगर आप एक फ्लैगशिप सीरीज का स्मार्टफोन देख रहे हैं तब आप Realme Narzo 50 Pro को देख सकते हैं, और अगर आपको एक मिड रेंज स्मार्टफोन चाहिए तब आप Realme Narzo 50 को खरीदने के लिए सोच सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन अच्छी प्राइसिंग के साथ में आते हैं और ये स्मार्टफोन 26 मई से दोपहर 12 बजे से सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो Vivo की तरफ से एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है Vivo X80। ये एक 6.78 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड 3D कर्व्ड स्क्रीन के साथ में आने वाला स्मार्टफोन है जिसमें आपको 1500 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर के साथ में आता है जो कि एक 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, Mali G710 GPU देखने को मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, F1.75 अपर्चर का, इसमें Carl Zeiss के ऑप्टिक्स देखने को मिलते हैं और Carl Zeiss के ही T-Star कोटिंग देखने को मिल जाती है, 12 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा है और एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है F2.5 अपर्चर का, 4500 mAh की बैटरी है जिसे आप 80 वॉट्स के फ्लैश चार्ज से सिर्फ 11 मिनट में 50% चार्ज कर सकते हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, IP53 वाटर रेजिस्टेंस मिलती है, फनटच OS 12 के साथ में आता है, Android 12 पर बेस्ड है, दो कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, कॉस्मिक ब्लैक एंड अर्बन ब्लू। प्राइसिंग 8128 की 54999 है और 12256 की 59999 है। ये स्मार्टफोन 25 मई से सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो वीवो की तरफ से एक स्मार्टफोन है जिसका नाम है वीवो X80 Pro। इसमें एक 6.78 इंच की क्वाड HD AMOLED LTPO डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें आपको 1500 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। HDR 10 Plus का सपोर्ट है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है। Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ में आता है जो कि 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। Adreno 730 GPU है। क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.57 का। सेंसर साइज काफी ज्यादा छोटा है, मतलब आपको इमेजेस क्वालिटी एकदम झकास रापचिक मिलने वाली है, आपको कैमरा से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। सेंसर साइज सिर्फ 1x1.3 इंच का है। कार्ल ज़ाइस के ऑप्टिक्स आपको इसमें भी देखने को मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल का। टेलीफोटो कैमरा है f1.9 अपर्चर का और 48 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है f2.2 अपर्चर का और 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है f3.4 अपर्चर का। 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा है f2.4 अपर्चर का। ये स्मार्टफोन कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू के मामले में धमाल मचाने वाला है। अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन देखना चाहते हैं तो Vivo X80 Pro सबका बाप है इस सेगमेंट में अभी तक जितने फोन रिलीज हुए हैं। इसमें 4700 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 80 वॉट्स के फ्लैश चार्ज से आप सिर्फ 38 मिनट में फोन को फुल चार्ज कर सकते हैं और इसमें 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी देखने को मिलती है। IP68 की वाटर रेजिस्टेंस है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। फन टच OS 12 के साथ में आता है, Android 12 पर बेस्ड है। एक कलर में कंपनी ने लॉन्च किया है सिर्फ कॉस्मिक ब्लैक। एक ही वेरिएंट आता है 12-56, प्राइसिंग है उसकी 79,999। सेल के लिए ये भी 25th मई से अवेलेबल हो जाएगा। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप वीवो का ये स्मार्टफोन लेते हैं आपको एड्स और प्री इंस्टॉल्ड ऐप का थोड़ा झंझट रहेगा, बट अगर आपको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के लिए वीवो X80 Pro में आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। इसका डायरेक्ट कंपटीशन OnePlus से है और ये कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू में OnePlus को एक अच्छी टक्कर देने वाला है। और जब आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा फ़ोन हो जो शायद आपकी DSLR की पॉसिबिलिटीज़ को कुछ हद तक कंप्लीट कर दे, तो Vivo X80 Pro उसके ऊपर डेफिनेटली खरा उतरने वाला है। और मतलब आपको एकदम झकास फोटोज़ मिलने वाली है, वो कहते हैं ना अनिल कपूर स्टाइल में, मतलब झकास, तो आपको मतलब वो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ झकास फोटोज़ मिलेगी इस फ़ोन में। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं और आपको उस तरह का काम है, मतलब आप उस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं जहां आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी करनी है, तब आप डेफिनेटली Vivo X80 Pro की तरफ देख सकते हैं। हालांकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो Realme TechLife SZ100 स्मार्ट वॉच है। 1.69 इंच की एक लार्ज कलर डिस्प्ले के साथ में आने वाली ये एक स्मार्ट वॉच है जिसमें कि मेटालिक फिनिश का डायल देखने को मिलता है। 530 nits की ब्राइटनेस मिलती है। 260 mAh की एक इसमें बैटरी है जिससे कि 12 दिन तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। IP68 वाटर रेजिस्टेंस है। ब्लड ऑक्सीजन, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, हर तरह के हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। 110 से भी ज़्यादा वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। 24 से भी ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड्स है। स्किन टेम्परेचर मॉनिटर भी है। रिमूवेबल स्ट्रैप के साथ में आता है। स्ट्रैप साइज 20mm का है। Realme Fit ऐप के साथ में काम करता है। दो कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, लेक ब्लू एंड मैजिक ग्रे। इस स्मार्ट वॉच का वेट बहुत ही कम है, सिर्फ 34 ग्राम्स है, काफ़ी लाइट वेट है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने हाथ पे कुछ वियर किया हुआ है। प्राइसिंग 2499 है। मेरा रिकमेंडेशन, खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं, वॉच बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ में आई है, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस ऑफर करती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च है, Amazfit की तरफ से एक स्मार्ट वॉच है जिसका नाम है Amazfit GTR2। ये 1.39 इंच के साथ में आने वाली अल्ट्रा HD AMOLED डिस्प्ले के साथ में आने वाली स्मार्ट वॉच है जिसमें कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर आपको मिलता है। इसमें भी एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी की केसिंग है, मतलब आपको डिजाइन के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंपनी ने। उसमें दो फिजिकल बटन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 471 mAh की बैटरी है जिससे कि 14 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलता है टिपिकल यूसेज के हिसाब से, और अगर आप एकदम भयंकर यूज करते हैं तो आपको सिर्फ 6 दिन तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। 22mm का स्ट्रैप साइज इसमें आता है। सिलिकॉन और लेदर दोनों स्ट्रैप आप यूज कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रैप, और क्लासिक पिन बकल स्ट्रैप साइज के साथ में आता है। इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर भी आपको इसमें देखने को मिलता है जिससे कि थ्रू आप ब्लूटूथ कॉलिंग भी कर सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है 3GB तक जिससे कि आप उसमें लोकल मेमोरी में म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं। 50 मीटर्स तक डेप्थ रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। 24 आवर्स की हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ब्लड ऑक्सीजन, हेल्थ मॉनिटरिंग, स्लीप क्वालिटी मॉनिटरिंग, ऐसे हजारों फीचर्स इसमें अवेलेबल है।
90 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स है। ज़ैप ऐप के साथ में कंपैटिबल है ये स्मार्ट वॉच का वेट सिर्फ 32 ग्राम से। कंपनी ने दो कलर्स में लॉन्च किया है, एक है थंडर ब्लैक, दूसरा लाइटनिंग ग्रे। इस वॉच का प्राइस 11,999 है, बट लॉन्च डे के दिन ये ऑफर प्राइस में आपको 10,999 में मिल रही है। ये सेल के लिए 23 मई से अवेलेबल हो जाएगी, तो अगर आप इसे 23 मई को खरीदते हैं तो आपको सिर्फ 11,000 रुपये देने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आपको 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। मेरा रिकमेंडेशन, मेरा ओपिनियन, अगर आपको एक स्मार्ट वॉच चाहिए, आप 10,000-12,000 रुपये तक के बजट तक देख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये वॉच देख सकते हैं। और अगर आपका बजट फिर 13,000 से ऊपर जाता है, तब आप OnePlus या Fossils वगैरह की स्मार्ट वॉचेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो डीजो की तरफ से नेक बैंड वायरलेस ईयरफोन्स है, जिसका नाम है डीजो वायरलेस डैश। इसमें एक 11.2 mm का डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है, जिससे कि डीप बेस मिलता है। और रियलमी ने इसमें एक बेस बूस्ट प्लस एल्गोरिथम भी यूज किया है। डीजो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि रियलमी का ही टेक लाइफ ब्रांड है, तो ये उसी के अंडर में प्रोडक्ट लॉन्च किया है रियलमी ने। इसमें 30 आवर्स तक का प्लेबैक देखने को मिलता है। अगर आप इसे 10 मिनट तक के लिए चार्ज करेंगे तो आप इसमें 10 घंटे तक का म्यूजिक प्लेबैक मिलता है, टाइप सी चार्जिंग मिलती है। और 88 मिलीसेकंड्स का आपको इसमें एक सुपर लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है। मैग्नेटिक कनेक्शन है, आप डायरेक्टली सिर्फ क्लिप इन और क्लिप आउट करके इस नेकबैंड ईयरफोन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। स्मार्ट कंट्रोल्स आपको इसके फिजिकल बटन्स पे देखने को मिल जाते हैं। इस नेकबैंड का वेट सिर्फ 37.7 ग्राम से, काफी लाइट वेट है। तीन कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, क्लासिक ब्लैक, इलेक्ट्रिक ब्लू एंड डायनामिक ग्रीन। प्राइसिंग बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छी प्राइसिंग के साथ में लॉन्च किया है, सिर्फ 1,299 रुपीज इसकी प्राइसिंग है। 24th मई से सेल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। डेफिनेटली मस्ट बाय प्रोडक्ट है अगर आपको एक नेकबैंड ईयरफोन चाहिए तो। 1300 रुपए के बजट में बहुत अच्छे ईयरफोन्स है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो वीवो की तरफ से ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है, जिसका नाम है वीवो TWS2। इसमें एक 12.2 mm का डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है, जिससे कि सुपर स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलेगा, ऐसा वीवो क्लेम करता है। ब्लूटूथ 5.2 के सपोर्ट के साथ में आता है। 40 डेसिबल्स तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसमें देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिया है। 3 माइक नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, कॉलिंग के टाइम पे नॉइस को काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। 485 mAh की एक बैटरी है, जिससे 29 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है। अगर सिर्फ ईयरबड के बैकअप की बात करूं तो आपको 7.3 आवर्स तक का बैकअप मिलता है अगर आप ANC ऑफ रखते हैं, और अगर आप ANC ऑन रखते हैं तो आपको 4.1 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। चार्जिंग टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। एक्सट्रीमली लाइट वेट है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ईयरबड अपने कानों में वियर किया है। एक ईयरबड का वेट सिर्फ 4.7 ग्राम्स है। और मल्टीपॉइंट कनेक्शन फीचर भी इसमें देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली ही स्विच कर सकते हैं उनके बीच में। और 88 मिलीसेकंड्स का इसमें भी एक लो लेटेंसी गेमिंग मोड देखने को मिलता है। दो कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, स्टेरी ब्लू, मूनलाइट वाइट। प्राइसिंग 5,999 है। प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा है, बट एक वीवो के ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। हालांकि प्राइसिंग मुझे थोड़ी ज्यादा लग, आपको इससे कम प्राइसिंग में सिमिलर स्पेसिफिकेशंस वाले ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स मार्केट में मिल जाएंगे। OnePlus Buds Z2 भी है, 5,000 रुपए की प्राइसिंग के साथ में आता है, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो इस सीरीज में लॉन्च हुआ है वो वीवो की तरफ से एक और ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स है, जिसका नाम है वीवो TWS2E। हालांकि इसमें भी स्पेसिफिकेशंस TWS2 के जैसी सेम ही है, कुछ कुछ चेंजेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी सेम 12.2 mm का एक डायनामिक ड्राइवर देखने को मिलता है, जिसमें कि सुपर स्ट्रॉन्ग बेस देखने को मिलता है, ऐसा वीवो क्लेम करता है। ट्रांसपेरेंसी मोड है, डुअल माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज किया गया है। वीवो TWS2 में ट्रिपल माइक था। इसमें भी सेम बैटरी यूज हुई है 485 mAh की, जिससे कि आपको 30 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है। ANC ऑफ रखेंगे तो 7.6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपको बड पे देखने को मिल जाएगा, और ANC ऑन रख के आपको 4.1 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। चार्जिंग टाइम लगभग सेम है, 2 घंटे के आसपास समय लगता है। एक्सट्रीमली लाइट वेट है, 4.7 ग्राम इसका वेट है, वेट भी एकदम सिमिलर है। मल्टीपॉइंट कनेक्शन फीचर इसमें भी दिया गया है, आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इजीली उनके बीच स्विच कर सकते हैं। 117 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी गेमिंग मोड देखने को मिलता है। दो कलर्स में कंपनी ने लॉन्च किया है, स्टेरी ब्लू, मूनलाइट वाइट। हालांकि इसकी प्राइसिंग 2,999 है, तो अगर आप वीवो TWS2 नहीं खरीदना चाहते हैं तो 3,000 रुपये के लिए आप वीवो TWS2E जरूर देख सकते हैं। प्राइसिंग काफी अच्छी है, सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। हालांकि इसमें सिर्फ एक फीचर मिसिंग है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इसमें देखने को नहीं मिलता है, तो
अगर आपको सिर्फ एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन चाहिए तब आप और ईयरबड्स ट्राई कर सकते हैं। वन प्लस में आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाता है, वीवो TWS 2 में भी मिलता है, बट उसकी प्राइसिंग 1000 रुपये से ज़्यादा है। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स थे जो इस वीक लॉन्च हुए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही टेक प्रोडक्ट्स और अनेकों गैजेट्स से रिलेटेड मैं वीडियोस मेरे चैनल पर लाते रहूँगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होने की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन प्रोडक्ट्स में से सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।